ओके फेयर इनफ, लेकिन तुम मेरे आइडियाज को इजी मत लो, और मुझे अपने सिनेमा प्रोजेक्ट के ऑक्यूपेंसी के बारे में सोचना है, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि उसमें इससे कई ज्यादा पैसे लगे हुए। आप जैसे लोग, हम जैसे लोगों से कंटेंट इसलिए बनवाते हैं कि कंटेंट इज द किंग एंड आई एम द किंग ऑफ द कंटेंट। तुमने किरण को देखा नहीं था आज? वो एक नया मसला लग रहा है मुझे। यार हमजा कर लेगा हैंडल। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमजा को हैंडल करी है। I mean, she was acting like we're her employees. बात करते हैं हमजा से, देखते हैं। यार ये शायान कहाँ रह गया है? उसके घर पे उसकी बहन का सीन चल रहा है। खैर, तुम लोगों ने सोचा लॉन्च के बारे में? हाँ, मैंने कुछ वेन्यूज देखे हैं और मैंने एक पीआर कंपनी से भी बात किया। बहुत अच्छे क्लाइंट्स हैं उनके। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इवेंट मैनेजमेंट ना क्यू इवेंट्स को ही दे देनी चाहिए। नहीं ठीक है, जो तुम्हें सही लगे। एक काम करो, मरियम की हेल्प ले लो तुम पीआर में। एक काम करो ना मरियम, तुम ही देख लेना ना, मुझे वैसे भी इवेंट्स और पीआर का कुछ पता नहीं है तो। श्योर, लेकिन प्लीज बस बजट देख लेना, बिलियन डॉलर वैल्यूएशन नहीं हुई हमारी। ठीक है, बकार तू क्यों नहीं लग जाता इसके साथ पीआर में? ठीक है, सही है, ओके। अच्छा सुन, गेम ऑफ थ्रोन्स का थीम रख सकते हैं क्या? यार कोई अमीरों की पार्टी नहीं हो रही, ट्यूबलाइट का लॉन्च है, मुल्क के सारे वीसीज को बुलाना है, स्टेज पे बेटा वर्जन प्रेजेंट करना है उनको। फुल लॉन यानी स्टीव जॉब्स की तरह? ऑफ कोर्स। फिर वो पहन रहा हूँ वो टर्टल नेक और ब्लैक जीन्स, सही है? अच्छा भाई तूने जो पहनना पहन ले। ये शायान कहाँ रह गया यार? टेक टीम से वो कोऑर्डिनेट कर रहा है और कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं रेड लाइन नीचे, और डॉटेड लाइन भी सेट करवानी है। I'll just text her. अगर उसकी बहन की शादी चल रही है तो वो किस तरह मैनेज करेगा? नहीं नहीं, he'll do it. कर लेगा वो मैनेज। एक काम करते हैं ना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपस में बांट लेते हैं, कुछ मैनेज हो जाएगा। नहीं, why not? Reply उसका? अभी 5 सेकंड पहले तो मैसेज किया है। अच्छा ये देखो, Do you think this is a good idea? ये लो बेटा खाना खाओ। शायान, शगुफ्ता की शादी की तारीख तय हो गई। मुबारक हो। सॉरी वो मैं आ नहीं सका। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अम्मा हमारी कंपनी चल पड़ी है, अब्बा से कहिएगा परेशान ना होइएगा, शादी के खर्चे सारे मैं पूरे करूंगा और दहेज वगैरह जो भी है सब मैं देख लूंगा। अरे बेटा मेरे पास कुछ जेवरात हैं, इंशाल्लाह सब मिल बांट के कर लेंगे। जरूरत नहीं है उसकी, मैं कर लूंगा। मेरी अम्मी के मेरे पास बहुत सारे जेवरात हैं और जाहिर है वो मैं अपनी बेटी को ही दूंगी, लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हारी दुल्हन के लिए भी ना एक हार बचा लूंगी। क्या बातें कर रही है, मैं कोई शादी नहीं कर रहा। अच्छा क्या बातें कर रही हैं? वैसे एक बात बताओ, ये मरियम का क्या चक्कर है? क्या चक्कर है? अच्छा बहुत भोले बन रहे हो, बताओ। कुछ नहीं अम्मा, क्या हो गया, किसी बातें कर रही हैं? शायान मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, सब जानती हूँ, और वैसे भी मैंने तुम्हारी और मरियम की आंखों में ना सब कुछ देख लिया है। अच्छा क्या देख लिया? यही देख लिया है कि मरियम तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, बस शगुफ्ता की शादी हो जाए ना तो मैं जल्दी से जल्दी तुम्हारी भी तारीख तय कर दूंगी। देखिए अम्मा, मरियम बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आपने उसे घर देखा है, गाड़ी देखी है, और ये बात अगर उनके अब्बा को पता चली ना, अटैक आ जाना है उन्हें। जहाँ दिल मिलते हो ना बेटा वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिलहाल आप शगुफ्ता की शादी पे ध्यान दें, उसकी रुखसती करनी है। अच्छा फिर उसकी शादी के बाद करोगे इस बारे में मुझसे बात? नहीं। अच्छा चलो पेट भर के खाना खाओ, जरा तुम अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, बहुत दुबले हो रहे हो। ठीक है, और कुछ चाहिए हो तो फिर मुझे बताओ। जी
ये चीज चेक कराता हूँ तो देख, ये अब हो गया क्रूज कंट्रोल, यानी गाड़ी खुद ही चलेगी अब। लगता ऑन नहीं हुआ, मजाक कर रहे हैं। अबे जितने का तेरा घर है ना उतने की ये गाड़ी है। तुमने कैश पे खरीदी है? लीज पे ली, लीज पे। यार किसने सोचा था कि तुझ जैसा सड़क छाप आदमी आज इस गाड़ी में घूम रहा होगा। गुड गुड, बेस्ती भी कर रहा है, तारीफ भी कर रहे हैं। चलो आज ना मैं तुम कम जर्फों को अच्छा खाना खिलाता हूँ। एक घंटा है मेरे पास लंच का, चलें फिर। चलो हाँ चलो, हाँ चलो। बाकी यार अच्छी गाड़ी है, अच्छी आ रहा है, खाना भी खिला रहा है, बहुत बढ़िया है भाई, पार्टी बन गया पार्टी। हाँ। कॉफी। गुड मीटिंग, लंच पे चले फिर कभी, आज काम बहुत है। श्योर। वो हमजा मुझे किरण मिली थी। हाँ किरण कहाँ? मम्मा पापा के साथ गई थी मैं शॉपिंग पे, एकदम से आ गई उधर। तुम्हारा पीछा तो नहीं कर रही? नो आई डोंट थिंक सो। क्या कहती? फोन लड़ने की मूड से आई थी। क्या मतलब? फ्रेंड्स देके गई है मुझे कि मैं तुम्हारे और उसके बीच में ना आऊं वरना अच्छा नहीं होगा। व्हाट एग्जैक्टली? ऐसी बात तो कभी नहीं की उसने। मैंने तो तुमसे कहा था कि वो तुम्हें पसंद करती है। आई थिंक पसंद से ज्यादा ओनरशिप का सीन है। हाँ एक ही बात है। अरे नहीं मेरा मतलब कंपनी की ओनरशिप, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो उसने गुस्सा यहाँ निकाल लिया। I don't think so. It was more personal. नहीं, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। पर क्यों की उसने ऐसी बात? क्या क्या उसका? कंपनी पे तो है और शायद थोड़ा बहुत तुम पे भी। क्या बोल रही हो तुम? भाई देखो मुझे नहीं पता कि रिलेशनशिप वन साइडेड है या टू साइडेड। प्लीज स्टॉप, मैं बात करता हूँ किरण से। ओ प्लीज तुम बात ना करना, बहुत अग्रेसिव हो, कभी अच्छे मूड में देखा नहीं है मैंने उसको। मेरे साथ तो सही होती है वैसे। जाहिर है तुम्हारे साथ तो होगी। नहीं, Stop. नहीं ऐसे कैसे, ठहर जाओ मैं बाकी सबको बता के आती हूँ। मरियम शयान सबको पता चलना चाहिए। नहीं आयशा, नहीं नहीं रुको आयशा। यार अजीब पागल लड़की है ये। अच्छा यार एक काम कर, ये तीन कर दे, ये दो कर दे, ये भी तीन कर दे। अबे क्या तुझसे नाम नहीं लिए जा रहे डिशेस के? यार पता नहीं क्या लिखा हुआ, कौन सी जबान में लिखा हुआ है। मैं जैपनीज लग रहा हूँ, मैं जैपनीज पढ़ के बताऊंगा। यार जिंदगी आसान करो, कोई इंग्लिश इंग्लिश में लिखो। वो तो और भी मुश्किल होगा वकार भाई के लिए। ओ गधे, इधर एक कबाब रोल वाली जगह नहीं है, तरह तमीज से उठा के फेंक देते हैं बाहर। आप यही कर दो यार, ठीक है ना? वैसे तेरे पास इतने पैसे आए कैसे? यार तो बताया था कंपनी है अपनी, स्टार्टअप है। किस चीज का? अरे यार टेक कंपनी है, तुम्हें नहीं समझ आएगी, तुम लोग चुप करेगा खाना खाओ। अभी क्या लॉटरी लग गई है तेरी, हम लोगों को भी नौकरी दे दे। यार तुम लोगों का ना यही मसला है, सोच छोटी है यार, कोई अपना देख ले भाई, अपनी कंपनी बनाने की बात कर। नौकरी दिला दे, नौकरी दिला दे। Excuse me, sir. सर ये गाड़ी आपकी? और क्या भाई, आपके बाप की है, मेरी गाड़ी है। सर ये रास्ता ब्लॉक कर रही है इनकी गाड़ी का। मैंने इनसे कहा था कि मैं चाबी लेकर आता हूँ, बट इन्होंने कहा मैं खुद मांग लूंगी। आई तो मैं लड़ने के लिए थी, तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी को कम्प्लीटली ब्लॉक कर रही है। लेकिन लेकिन क्या? अरे आपने कहा ना कि मैं लड़ने के लिए आ रही थी।
वो तो हुआ नहीं, तो लेकिन क्या? I changed my mind. You seem like a decent guy. Decent नहीं, एक नंबर के चिच्छोरे हैं. What? चुप कर. दोस्त है ना पुराना, मजाक कर रहा है. कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ देता हूँ नीचे. नहीं, it's okay, मैं चली जाऊंगी. अरे आप all the way ऊपर आई हैं. It's the least I can do. Thank you. चल. सॉरी यार, वो मैं लेट हो गया. नो वरीज, आई टोल्ड देम माय बहन का कोई सीन नहीं चल रहा. सीन नहीं चल रहा है, रिश्ता आया है. हाँ डा, सेम थिंग. कुछ मिस तो नहीं किया मैंने? नहीं, लॉन्च की डिस्कशन हो रही थी. मैं और वकार लॉन्च और पीआर देखेंगे. अरे यार, वो टेक वालों से मुझे अपडेट लेनी थी यार. ओ होल्ड ऑन, लंच आवर चल रहा है. मैं खाना खा के आया हूँ. मैं तुम्हारे लिए टिफिन बॉक्स खोल रही हूँ. पता है मुझे. इतने हिले हुए क्यों? सब ठीक है ना? अरे वो रात में जेल से आ रहा हूँ ना, इसलिए. I know, लेकिन घर पे सब सही है ना? तुम्हारी स्पीच के पास से तो अपा बिल्कुल ठीक हो गए. क्या बात है तुम्हारी. चलो ग्रेट. वो मरियम, कुछ नहीं. क्या हुआ? I know you wanna say something. वो अम्मा तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रही थी. अच्छा, तो रिश्ता कब भेज रहे हो? तुम तो यार, मतलब कोई ब्रेक ही नहीं है. जो मुंह में आया बोल दिया. क्या कह रही थी अम्मा मेरे बारे में? ऐसी पूछ रही थी कि हम दोनों का कोई सीन है क्या, इंटरेस्टेड है एक्स्ट्रा में. तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या बोलना है? कुछ नहीं. क्या तो ना? नहीं, लेकिन देखो मरियम, तुम्हारी और मेरी. ओह, अब तुम फिर वो एक घिसी पिटी पुरानी बातें करोगे कि हमारी फैमिली बहुत अलग है, हमारी दुनिया बहुत अलग है, राइट? देखो, मेरी मेंटालिटी उस तरह की नहीं. मैं ऐसा नहीं सोचती. और वैसे भी जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? क्या पहली बार तुम्हारे मुंह से मैंने कोई इतनी नॉन बर्गर बात सुनी है? Shut up, I'm not a burger. अच्छा, कभी आईने में देखा है खुद को? अच्छा, तो तुम लोगों को उनके पहनने ओढ़ने से जज करते हो? पहनने ओढ़ने से? ये सब खास क्या बोल रही हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मैंने तुम्हें कभी आज तक ऐसे उर्दू बोलते हुए नहीं सुना ना. You know what we are having right now? What? We're having a moment. I mean, we clearly get along. And I really care for you. देखो, पसंद तुम्हें मैं भी करता हूँ. और तुम ही थी जो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़ी थी. वो मैंने किसी मैल इंटेंशन से नहीं किया. वो तो कोई भी होता मैं यही करती. आयशा, हमजा, वकार. तो Now is the time where you ask me out. Ask you out for what? Dinner? इतने भोले क्यों बन रहे हो? ये जो इतनी movies और shows देखते हो, उसका क्या फायदा हुआ? कुछ सीखा नहीं? अच्छा मरियम जी, तो आप क्या मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? एक नहीं, बहुत सारे डिनर्स पे चलें. कल चलें? आज क्यों नहीं? अभी चलें. काम कर लें कुछ? हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ. I'll be back. ये तो मेरी फेवरेट कार है. अच्छा, मेरी भी बड़ी फेवरेट है. अभी अभी ली है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ. वाओ,
वैसे व्हाट डू यू डू? ट्यूबलाइट, इट्स अ टेक कंपनी। खुद की है? तो और क्या, मोहल्ले वालों की थोड़ी है, अपनी है, मतलब कॉलेज फ्रेंड्स के साथ मिलके बनाया। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। तो कभी मिले बताइएगा। बताइएगा, इतनी इज्जत ना दे, मैं इतना आदि नहीं हूँ इज्जत का। अच्छा चले, मेरा नंबर ले लें, लेट्स मीट सम टाइम एंड डिस्कस। या श्योर श्योर। ओह मैं फोन भूल गया, ऊपर एक सेकंड में लेके आता हूँ। वेट वेट वेट, मेरा नंबर ले लें। ओके, आई मीन याद कर लें, इट्स रियली इजी। 0300 22 22 22। 0302 3002 2 2 2 2 2। आ गया। दो 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 दो, क्या नंबर है, क्या सूरत है, क्या खुशबू है। लगता है पहली बार किसी लड़की ने नंबर दिया, इतनी प्यार से तो पहली दफा ही दिया है। वैसे मेरी बात का बुरा ना मानना, ये सीन मुझे अलग लग रहा है। मतलब अपने आप को देख, उसको देख, ऐसा तो फिल्मों में भी नहीं होता। ये जलता है मेरे से, तुम सारे ना जलते हो मुझसे, मेरी पर्सनालिटी से, मेरी गाड़ी से। ओ गाड़ी देख कर अंदर आई है बॉस, चेक कर लेना कहीं सीन ऐसा वैसा ना हो। यार तुम लोग की सोच जो है ना, वो सीधा गटर में जा गिरती है। ये भी तो सोचो, हो सकता है आपके भाई को सच्चा प्यार मिल गया हो। फिलहाल तो बिल मिल गया, ये पे कर फिर चले तेरे रिश्ते की बात करने। यार यही है, मैं बता रहा हूँ यही है, बहुत जल्द यही आपकी भाभी बनेगी। जब बनेगी देखेंगे। नहीं तो कोई ऐसा नहीं मिलेगा। सब ठीक तो है ना? कुछ ज्यादा ही ठीक है। ये नहीं, घर का पूछ रहा हूँ। सुना है शगुफ्ता का कोई रिश्ता विश्ता आया? हाँ रिश्ता आया था, रिश्ता तो पहले आया था, लेकिन कल बात पक्की हुई है तो इसलिए मैं लेट हो गया। उसकी तो खैर है, मैं ये कह रहा था कि किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी मदद चाहिए हो तो तुझे पता है तुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। हाँ यार, इनफैक्ट तू एडवांस सैलरीज ले ले, शादी में भी हाथ बटा लेगा और अब्बा भी खुश हो जाए। हाँ यार मैं सोच रहा हूँ कुछ अपने हिस्से के शेयर्स भेज दूँ। क्या बात कर रहा है यार तू, अपने माइंड से ना इस तरह की बातें निकाल दे। तुझे पता है कि हमारे शेयर्स की कितने मिलियन डॉलर्स की वर्थ होगी जब हम इनको पब्लिक करेंगे? तू मास सैलरीज ले ले, बल्कि पूरे साल की ले ले, और किसी को कोई इशू भी नहीं होगा। थैंक्स यार, चल मैं बताता हूँ तेरे को सारा हिसाब किताब करके, कुछ जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगा। तू मेरा वैसे सच्चा दोस्त है। देख दोस्तों में फैमिलीज में ऊंच नीच तो हो जाती है, बट दिस हैज मेड अस स्ट्रॉन्गर। यस यार आई एग्री। खैर अब दूसरे सीन का बता। वो मरियम, यार वो मैंने उसे प्रपोज किया है। ले मुबारक हो भाई, उसने तो कंफर्म हाँ की होगी। अरे मैंने क्या, उसने तो मुझसे कहलवाया है। तो क्या तेरा दिल नहीं? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब था दिल तो। देख मरियम बहुत अच्छी लड़की है, यू आर लकी गाय। वैसे एक बात कहूं? हाँ बोल। वैसे आयशा भी बहुत अच्छी लड़की है। हेलो, कहाँ गायब हो यार? मैं ऑफिस में हूँ, तुमसे बाद में बात करूँ?
फोन बंद नहीं करना, पहले बहुत मुश्किल से आंसर किया तुमने। सैन मैं बिजी हूँ, बाद में बात करूँ। अच्छा सुनो सुनो सुनो, बिफोर यू गो, कल मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हें इनवाइट करना चाह रहा था। अच्छा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। तुम्हें आना है ठीक है, अगर तुम ना आई ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा। सैन नहीं प्लीज यार, ऐसे नहीं करो। अच्छा बताओ किधर है? जहाँ तुम कहो। क्या मतलब? मतलब ये कि इट्स जस्ट यू एंड मी, कोई पार्टी नहीं है। और वैसे भी जब तुम और मैं साथ होंगे तो किसी पार्टी की क्या जरूरत। सैन आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसा अकेले नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। क्यों, कोई मिल गया क्या? क्या वाकई कोई मिल गया? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। अरे अंकल आंटी आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेने आए होंगे मुझे, बर्थडे में शॉपिंग करानी है इनको। दैट्स सो स्वीट। मेरे अम्मा अब्बा ने तो मुझे लास्ट शॉपिंग करवाई थी जब मैं 9 साल का था। वेरी फनी। कैसे हो बेटा? सुना आजकल काम माशाल्लाह से बहुत जोरों पे चल रहा है। जी अंकल अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। आयशा मुझे सारी रिपोर्ट देती रहती है, अल्लाह और तरक्की देता। चलो ना बेटा हमारे साथ चलो। आंटी आज नहीं, लेट हो गया, काम की वजह से तो अम्मा अप्पा से भी मुलाकात नहीं हो पाती। चलो जैसे तुम्हारी खुशी, फिर आना ना घर पे। इंशाल्लाह जरूर जरूर। हम अपनी अमानत ले जाएं जी, आयशा को ले जाएं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चलो आप आओ बेटा। हेलो हेलो, अंबर बात कर रही हैं? यस दिस इज अंबर, हु इज दिस? मैं वकार बात कर रहा हूँ। वो जो लड़का बदतमीज जिसने रेस्टोरेंट में आपकी गाड़ी ब्लॉक की थी ना, वही। Oh yeah, good to hear from you. Same same. मैं सोच रहा था बहुत जल्दी तो नहीं है ये? अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। नहीं मेरा मतलब अभी आपसे नंबर लिया था मैंने, कुछ ही घंटों बाद आपको कॉल कर दी मैंने, तो जल्दी तो नहीं हो रही? It's okay. मैंने कहा कि नंबर भी चेक कर लूँ, होता है ना अक्सर लड़कियाँ गलत नंबर दे देती हैं। I said it's okay. आप इट्स ओके ही बोलती हैं या उसके अलावा भी कुछ बोलती हैं? और क्या कहूँ? कुछ भी जो आपका दिल करे। अच्छा मैं थोड़ी सी बिजी हूँ, मैं तुमसे कल बात करती हूँ। आप श्योर? श्योर ठीक है। वैसे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। वो आपने तुम कहा ना तो थोड़ी अपनाइयत सी महसूस हुई है। कल से तुम भी मुझे तुम कहना। ओके वेरी गुड वेरी गुड। वैसे भी मेरा ये आप जनाब करके मुंह थक रहा है। तो फिर होती है तुमसे कल बात। ऑलराइट ओके गुड नाइट। गुड नाइट। ओए होए 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 गुड नाइट तक बात आप पहुंची है। हमजा खाना खाया है तुम? अभी कहां अम्मा। चल मैं लगाती हूँ खाना, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही। मेरी प्यारी अम्मा आपको कहा है आप मेरा इंतजार मत किया करो, मेरी टाइमिंग से कुछ पता नहीं होता। अरे पगले तुझे क्या पता, बेटे के साथ खाना खाने में जो मजा है ना, बड़े नसीब वाले होते हैं माँ बाप। और माँ बाप के साथ जिनको इस तरह का वक्त गुजारने को मिले ना वो उनसे भी ज्यादा नसीब वाले होते हैं। अच्छा जी, तो फिर आ जाया करो ना ठीक 8:30 बजे, इंतजार करते हैं हम तुम्हारा।
पूरी कोशिश करूं। आज मेरा बेटा बहुत थका हुआ लग रहा है, बहुत ज्यादा काम था। यार अम्मा काम तो रोज ही है। आपको आयशा कैसी लगती है? बहुत प्यारी, सीरत की भी सूरत की भी। मगर ये तुम क्यों पूछ रहे? मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब क्या है तुम्हारा? शायद अभी बहुत जल्दी है, अम्मा मेरे पीछे मत पड़ जाना प्लीज। मतलब आप कहती रहती हो ना कि शादी करो, रिश्ता देखो, अभी मैं रेडी नहीं हूं, लेकिन जब भी होऊंगा तो आयशा जैसी किसी अच्छी लड़की से कर लूं। सच्ची? मुच्ची। चलो खुश रहो। सलाम। सलाम। वालेकुम सलाम। उठ गई लाड साहब? अब तो तुम्हारी रात की नौकरी भी नहीं है। हाँ वो मैंने सोचा कि नींद पूरी कर लूँ, रात में जागना है ना। रात में जागना है? क्यों खैरियत? शायान की बहन की शादी है। ओ हाँ, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। बेटा हमारी तरफ से एक्सक्यूज कर लेना, वो नेबर्स में शमीम आंटी है ना, उनके बेटे की शादी में जाना है। मैं कह दूंगी उनको। अब शगुफ्ता की शादी से फ्री हो जाए ना तो फिर इसके साथ भी बैठना है। फिर शुरू हो गई हैं आप, कितनी बार बात करेंगे हम इस बारे में? आयशा बेटा जैन तुम्हारा इंतजार कर सकता है, लेकिन एक दो साल इनफ होते हैं ना, तीन चार साल तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन हम इस बारे में भी उससे बात कर सकते हैं। भाई मुझे नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? मैं आधे घंटे के लिए लंच पे आता हूँ, उसमें भी तुम शुरू हो जाती हो। बच्चे को खाना तो दो। देखें मर्जी तो इसी की होगी, लेकिन अगर बच्चों को उनके हाल पे छोड़ दो ना तो फिर बहुत लेट हो जाता है। 30-40 साल की उम्र में फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलते। अब ना मैं ये प्लेट लेके अंदर चली जाऊंगी। हमजा भी अच्छा लड़का है। दोस्त है मेरा वो। तो ये तो और भी अच्छी बात है ना, तुम उसमें इंटरेस्टेड हो, वो तुम में इंटरेस्टेड है, दोनों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और फिर हम कौन सा बेटा फोर्स कर रहे हैं कि तुम जैन से ही शादी करो? क्यों मैं सही नहीं कह रही? तो कोई सीरियसली नहीं लेता। अरे वाह क्या बात है। थैंक यू। तुम्हें ये सूट बहुत सूट करता है, ज्यादा पहना करो। बस संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। कहाँ की तैयारी है? मैंने आपको बताया था ना शायान का, उसकी बहन की शेंदी है शगुफ्ता, बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारे फ्रेंड्स में शायान का नाम सुना है, मामला कुछ और तो नहीं है? सिर्फ मेरी उससे बनती ज्यादा है, और कोई बात नहीं है। तुमने बताया था उनकी फैमिली ज़रा वेल ऑफ नहीं है। जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। आप लोगों को उनके बैंक बैलेंस से तोलना बंद कर से? तो और कैसे तोलूं? बेटे आई नो व्होएवर यू चूज टू मैरी इज योर चॉइस, लेकिन माँ बाप का काम होता है गाइड करना। ऑल राइट पहली बात तो ये कि ऐसा कुछ है नहीं, दूसरी बात ये कि अगर हुआ भी ना तो मैं आपको नहीं बताऊंगी। मरियम आई एम Just being your mother, बेटे मैं just looking out for you. ये अच्छा, जब दिल किया गायब हो गए, जब दिल किया लाइफ में वापस आ गए।
परेशानी। इट्स ओके। अगर एक बल्ब भी बुझा ना तो मैं तेरा बोर्ड बुझा दूंगा। हाँ अरे अब्बा आप आराम करें, मैं देख रहा हूँ। और हाँ, आना कम पड़ा तो तुम में से किसी की भी खैर नहीं। हाँ हाँ अब्बा आप आराम करें, मैं संभाल लूंगा सब। अब जाए अंदर। ओए उठा इसको। मरियम, वैसे थैंक्स यार। यू डोंट नीड टू थैंक मी, आफ्टर ऑल व्हाट आर फ्रेंड्स फॉर? फ्रेंड्स? फैमिली के सामने तो फ्रेंड्स ही है ना। मैंने तो अपनी अम्मा को बता दिया सब। हाउ कुड यू, हाउ एम्बैरेसिंग इज दैट? मैं किस मुंह से उनसे मिलूंगी? सी मुंह से मिलोगी यार, कुछ नहीं होता। तुम्हें वो मैरिज नहीं करेंगी यार, लेकिन दूर से खड़ी देखती रहेंगी। यार वो लाइटें आ जाओ। अच्छी बात है ना, बड़ों को सब पता होना चाहिए कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। तुमने बता दिया अपने डैड से? नहीं, मैं अभी फोन कर। नहीं यार, ये बातें फोन पे करने की नहीं है। वैसे भी मेरी बहन की शादी चल रही है तो मुझे कोई मेलो ड्रामा नहीं चाहिए यार। डर रही हो ना? Absolutely not. इसमें डरने वाली क्या बात है? मिलते हैं। क्या है हमारा बर्फदार नजरिया? अरे वाह वाह, मेरा बेटा तो पूरा शाहरुख खान लग रहा है। अम्मा फवाद खान ही कह देती। हाँ वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे तो शाहरुख खान पसंद है। ये उम्र है तुम्हारी ऐसी बातें करने की? लो वाला, उम्र का दिल से क्या ताल्लुक है? और मैं कौन से उससे शादी कर रही हूँ? क्या हम आपस में बात भी नहीं कर सकते? हाँ करो करो बेटा, शायान और उसके पेरेंट्स से एक्सक्यूज कर लेना कि मामा बाबा आ नहीं सके। अब कौन तैयार होके दो घंटे तक वहां शोर में बैठा रहे? बुड्ढे खुद हो गए और हर वक्त उम्र का ताना मुझे देते रहते हैं। बस आप लोग इसी तरह सारी जिंदगी हंसी मजाक करते रहे। भाई अब शादी के 30 साल के बाद सोच समझ के हंसी मजाक करना पड़ता है। पता नहीं कौन सी बात के ऊपर बेगम साहिबा माइंड कर जाएं। खैर छोड़, तू तो खुद पूरा दूल्हा लग रहा है। अच्छा सुन हमजा, जल्दी से शायान की बहन की शादी को निपटा और इसके बाद मुझे अच्छी प्यारी सी दुल्हन ला दे। अम्मा अभी नहीं। देख मुझे तो आयशा बहुत पसंद है और मुझे पता है कि तुझे भी बहुत पसंद है। अम्मा प्लीज। लो भला, दोस्ती है, पसंद भी करते हो तो फिर क्या मसला है? अच्छा मैं चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। ये नहीं सुधरे भाई, उसकी नजर उतार लेना। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ पे गया। अरे मेरे लिए इतना तैयार होने की जरूरत नहीं थी। कोई बहुत ही ढीठ इंसान हो जैन। मैं बस मिलकर जानना चाह रहा था कि आखिर मसला है क्या। मसला ये है कि तुम रोज रोज मुंह उठा के अपनी गाड़ी के सामने पोज मार के मेरे घर के बाहर खड़े नहीं हो सकते। क्यों? क्या मतलब क्यों? तुम, मैंने बताया था ना कि मैं बिजी हूँ और अल्लाह अल्लाह करके कंपनी दोबारा अपने पैर पे खड़ी हुई है। तो मुझे तो कोई और बात लग रही है। अरे ऐसी कोई भी बात नहीं है, हट मेरे सामने से। चलो कहाँ जा रही हो? दोस्त की शादी। एक सेकंड, तुम्हें क्यों बताऊं? हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट। एक तो तुम्हारी टाइमिंग्स भी निराली हैं। मैं लेट हो रही हूँ। हाँ तो मैं ड्रॉप करता हूँ ना। नहीं नहीं, मेरे को सर्विस मैम, प्लीज 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 प्लीज, आइए आइए सेन, आइए आइए आइए।
कोई लड़का। संभाल के थोड़ा। चले 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 चले। पहली दफा लग रहा है जैसे जिंदगी में कोई अपना मिल गया है। क्यों, तुम्हारे घर वाले नहीं है क्या? अब वो तो हैं अपने, लेकिन अब उनसे ऐसी फीलिंग नहीं आती ना। कैसी फीलिंग? वो फिर मैं अभी नहीं बता सकता ना।